नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा फिजिक्स इको का दूसरा टेस्ट है। इस टॉपिक है सर्कुलर मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड। आप चाष्टा जी और सुखदेव सर कल मेरे साथ थे, आप जानते ही। तो दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि 6 फिजिक्स इको टेस्ट होंगे, सबके वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे आएंगे। उसके बाद डायमंड टेस्ट सीरीज शेड्यूल दिखाना, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन छोड़े अपन लोग, शेड्यूल दिखाना। ये आप देखें, इको शेड्यूल, फिजिक्स इको का शेड्यूल है। 17, 18, 20, 21, 23, 24 टेस्ट चलेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट रहेगी आपकी डायमंड टेस्ट सीरीज जो 4 मई तक चलेगी। और ये सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी 6 किताबें हैं जो अपना सक्सेस अचीवर की 6 किताबें हैं, वो इस टेस्ट सीरीज के साथ हैं। ठीक है सर, तो शुरू करें सॉल्यूशन। तो पहले चाष्टा सर और हम सुखदेव सर दोनों लेते हैं। चाष्टा सर को दो, एक बार पेन दो, चाष्टा सर को, चाष्टा सर आए, माइक भी चाष्टा सर को पकड़ा दो। तो बिल्कुल सुखदेव सर, आप हम 3 लोग मिलकर करेंगे आज मस्ती से। तो पेपर चाष्टा सर का बनाया हुआ है, तो चाष्टा सर को मैंने कहा, सुखदेव सर ने कहा चाष्टा सर का पेपर है तो सर को हम लोग साथ रखते हैं हमारे। आए सर, बात शुरू करें। तो कहते हैं कि यदि पानी 16.3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली केस में चढ़ता है, नली को काटने 12 सेंटीमीटर पे, तो चढ़ता कितना है? 16.3। आपने 12 पे काट दिया तो पानी क्या होगा? मुंह तक चला जाएगा। मुंह तो मतलब किनारे से चला जाएगा। इसको बोलते हैं अपर्याप्त लंबाई, अनसफिशियंट लेंथ। क्यों सर? तो पानी नलिका के 12 सेंटीमीटर ऊंचाई बस 12, तो क्या होगा? पानी केस में 12 रहेगा, बस इसी बात है। जितनी लंबाई है वहां पे पानी रहेगा, कभी भी ऐसे स्वचालित निकाय की भांति व्यवहार नहीं करेगा, हमारा नहीं बनेगा। एक्चुअल में पानी चढ़ने का सिस्टम जो है ना, वो इस प्रकार से हम 2-3 डिस्कस थ्योरी डिस्कस कर लूं। एक कर्वेचर बन जाता है, उस पे प्रेशर बनता है HDG, और वो HDG जो है वो 2T/R के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपका डेवलप होता है। और दो बातें और यहाँ पर, एक गीला करता है, एक गीला नहीं करता है। जो गीला करता है वो ऊपर चढ़ता है, जो गीला करता है उसका कॉन्टेक्ट एंगल 90 से कम होता है, जो गीला नहीं करता है वो नीचे उतरता है, उसका कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा होता है। और जिसका जो मतलब एंगल जिसका बिल्कुल 90 या तो 0 डिग्री होता है, 0 से 0 पे और 180 के बीच वो एंगल आपके घूमते रहते हैं। ये थ्योरी के प्रश्न बन जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस स्थिति में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो नलिका की लंबाई और हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मेनिस्कस बन रहा है, लिक्विड मेनिस्कस बन रहा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा, उनका जो गुणनफल रहेगा वो सदैव क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। H1R1 बराबर H2R2। नाम भी कुछ जूलन का नियम, कुछ इसका नाम भी है, जूलन का नियम बोलते हैं इसको। तो आंसर हो गया अपना, आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, शुरू हो गए। तो आज फिर 50 क्वेश्चन है, फिर ऐसे डिस्कस करेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे, कल का मतलब कल तो संडे। ये शूटिंग आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं 18 मार्च को, 18 मार्च 2023 को। 19 का ऑफ रहेगा, 20 को फिर आपको वीडियो मिलेगा। कल जो वीडियो हमने डाला उसका अच्छा रिस्पॉन्स आपका यूट्यूब पे रहा है। बिल्कुल, आप सीएससी के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों सब्सक्राइब करा लें, उस पे हमारे गुरुनीति की वीडियो पड़े, बहुत पुराने वीडियो भी हैं। फिर से हमारा कमिटमेंट है नीट 2013 से नीट 2022 तक के फिजिक्स के प्रश्नों को टॉपिक वाइज करके गुरु 23 नाम दिया, गुरुनीति 23 के नाम पे हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आए, आ जाए जी। 0.3 ग्राम का एक तार पानी की सतह पे क्षितिज रखा है, तार की अधिकतम लंबाई जिससे वो पानी में डूबे नहीं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? 2TL बराबर एस, 2TL इक्वल टू mg। ये लो भैया, 2TL इक्वल टू mg, कब तो डूबेगा? mg हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, और पानी का थ्रस्ट फोर्स कह दो, जो आप प्रश्न नाम की वजह से जो बल लगेगा ये बराबर होंगे, डूबेगा नहीं ना। एफबीडी जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगा mg। क्या बात है! और पानी की सतह जो रहेगी वो इसको नीचे जाने से ऐसे रोकेगी, तो ये दोनों तरफ, एक तरफ अपने पास एक रहेगा TL और एक रहेगा अपने पास TL, दो TL हो गए, 2TL रहेगा। तो इसको गुणा भाग करेंगे डियर हम, तो इसका आंसर हमारा बनेगा पॉइंट से, फर्स्ट आंसर बनेगा 0.0। ये लो जी, ये फर्स्ट आंसर आ गया, गुणा भाग बच्चा कर सकता है। बिल्कुल सुखदेव सर, आगे चले थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। द्रव के अंदर अणुओं पे लगने वाला परिणामी संयोजी बल क्या होता है? भाई द्रव के अंदर अणुओं पर जीरो रहेगा, जीरो रहेगा कोई बल। देखो तो सीधी सी बात है, यहाँ दो ही बल है, संयोजक और असंयोजक। इसका फंडा भी मेरा से असमान, कैसे? समान में संयोजक, असमान में असंयोजक, सीधा फंडा है। और कुछ कहना चाह रहे हो इसमें? अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को ये बोला गया है, ये अपने पास पात्र है। yes. और इस पात्र में अगर अपन देखें तो द्रव के अंदर जो रहेंगे अणु उन पर परिणामी बल जो रहेगा सब तरफ से हमारे पास क्या रहेगा? रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इस पर सब तरफ से आकर्षण रहेगा, जिसकी वजह से इस पर रिजल्टेंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। परंतु यदि अपने को यहीं पर पूछा गया कि द्रव के पृष्ठ पर, फिर तो ये वाला तो रिजल्टेंट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। यस सर, आगे चले।
अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी से कपड़ा धोना आसान है क्योंकि उसका प्रस्तनाव कम हो जाता है। देखो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठंडा हलवा गर्म हलवा। ठंडा हलवा अच्छा नहीं लगता, गर्म अच्छा लगता है। गर्म हलवा जिस जीप पे जाता है ना, अच्छा प्रभाव पूरी जीप पे वो फैल जाता है। फैल जाता है, हलवा तो वही है, शक्कर वही है, घी वही है, सब कुछ वही है, पर गर्म हलवा क्या होता है, गर्म सरफेस टेंशन घट जाता है, यानी फैलाव ज्यादा होता है, तो हमारी पूरी जीप का जो स्वाद है ना, ग्रंथियां वो सब पे हलवा जाता है, सिंपल। इसीलिए गर्म खाना हमेशा अच्छा लगता है, वो भी किसका लॉजिक है, सरफेस टेंशन। कौन सा आइडिया इसका, प्रस्तनाव कम हो जाता है। आगे चले, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एसएमपीटी द्रव्य का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? अगर अपन देखें तो अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बीटा से रिप्रेजेंट करें, हां बीटा से रिप्रेजेंट करके अपन इसको यूं लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। और अगला साहब एसएमपीटी का मतलब क्या है, हां कि वो डेल्टा वी उसका कितना है, जीरो है, तो बीटा इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको लॉजिक आनी चाहिए, इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता। तो डेल्टा पी फॉर्मूला सिंपल है, प्रत्यास्थता इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति, विकृति इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हो गया इसका, माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमें सब चीज दबाव बढ़ने पर आयतन में कमी है, कुछ चीजें एक दो चीजें ऐसी होती है जो फैलती है, बाकी सारी कमी होती है। ओके आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों छठा क्वेश्चन, वो कहता है एक पात्र है, इसका ये आयतन है, इस पे गौर करना भाई, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर मीटर होता है, लीटर कोई मात्रक नहीं होता भैया, और इस पे इतना प्रेशर लगा दिया 1.2 × 10^5, और इससे आयतन में इतनी कमी हो गई, तो कहता आयतात्मक प्रत्यास्थता से मॉडुलस चाहिए, तो सीधी सी बात है बीटा इक्वल टू सुखदेव सर सामने बैठे बोलते जाओ, लेकिन यार डेल्टा भी दोस्तों सामने हमारे सुखदेव सर बैठे हैं, हम देखो डेल्टा वी अपॉन वी, इसको हमारा कोई एक साथ ही सोल्व कर सकता है, बट ये हमारे बड़ा एक उत्साह का विषय है, इसलिए हम दो तीन साथ ही मिलकर इसको सोल्व करते हैं, बस बात आ गई। तो बीटा डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ आपके सामने प्रेशर 1.2 × 10^5, डेल्टा वी का मतलब चेंज, तो 0.3 × 10^-3, और वी आपका ऊपर जा जाएगा जो कितना डियर 10^-4 3 से 3 कैंसिल और ये 0.3 से ये बन जाएगा अपने पास 4, और रिजल्ट बन जाएगा 4 × 10^5। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फिर वो सिंपल क्वेश्चन है, एल मीटर लंबी है, ए इसका एरिया है, ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, रबड़ का घनत्व दे दिया, डेंसिटी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक वाई है, डोरी की लंबाई में अपने भार के कारण वृद्धि हो गई। देखो जहां तक मैं इसकी बात कहूं, थोड़ा सा अपन बच्चों समझा दें, ये कोई एक डोरी है, छेड़ है कुछ मान लो, बिल्कुल, इस पे आपने नीचे की तरफ मास लगाया डियर एमजी, क्या लगाया एमजी, ये पेन जरा, ये पेन जरा ठीक चल रहा है, इसके दोनों पेन चेंज कराओ भाई, पेन खराब हो गए, देखो इतना काम हो गया इसके ऊपर, एमजी किधर है, नीचे की ओर, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले, तो दोस्त इसके कारण इसकी लंबाई माना की वृद्धि हो गई, पेज खाली करना एक बार भैया। ओके तो प्रत्यास्थता का रियल फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल तो क्या होता है F upon A, विकृति यहाँ क्या होगी डेल्टा L upon F, क्लियर, ये प्रत्यास्थता इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, F upon A और डेल्टा L upon L, ठीक है। वापस क्वेश्चन में आ जाओ, अब आपका क्या डेल्टा L का मान पूछा है इसने, ये तो पूछा ना, तो वापस आओ, तो डेल्टा L का चाहिए, तो देखो Y इक्वल टू F upon A डेल्टा L, ये L ऊपर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, डियर ये डेल्टा L कितना हो गया, डेल्टा L हो गया F L upon L upon Y Y multiply A, ठीक है डियर। परंतु अगर अपन यहां पर देखें तो ये जो है इसका इफेक्टिव लेंथ अपन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो वेट रहेगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास पर रहेगा, तो यहाँ पर प्रभावी लंबाई जो है अपन वो L by 2, ये इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप यहाँ पर L इफेक्टिव जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, L by 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम L यूज करेंगे वो L इफेक्टिव आएगा, क्या यहाँ पर जो फोर्स का ये अपने पास ये बनेगा यहाँ पर इक्वेशन जो L by 2 इफेक्टिव पे वापस आते हैं, अब आप तो वैल्यू पुट करें इसकी, तो लास्ट में फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एल एफ एल मल्टीप्लाई 2y अपॉन ए, एफ कितना इसका, इसका एमजी ये अपने पास हो जाएगा डेल्टा एल, इसका एफ जो है वो कितना है एमजी, ये हो जाएगा एल अपॉन क्या हो जाएगा 2y इनटू क्या हो जाएगा ए,
अब फिर बात आती है कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपने को आंसर जो है वो एल स्क्वायर की टर्म में दे रखा है, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, एल से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एल से नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर एल से मल्टीप्लाई किया वो स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एल से मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। और m / n हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो रियल में क्या है कि m / al क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। तो अपन इधर रेस चीज को, तो डेल्टा क्या बनेगा भाई, रो g l स्क्वायर, g लगा दो डियर, g / 2y y हेलो, तो l स्क्वायर रो g 2y। हां, एक ही चीज ये अपना ये रहा, ये रहा, एक ही बात, वहां थर्ड एक ही बात है, ये थर्ड आंसर हो गया, ये मिटा दिया जाए। तो आप क्या देख रहे हो, एक की प्रश्न में देखो यही सुंदरता इस क्वेश्चन की है। आपने बात गौर की होगी, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, हम इस प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं कि उस कॉन्सेप्ट की सारी चीज में आ जाए। हमने यहाँ डेंसिटी दे ली, तो आपको ये पता एल से ऊपर मल्टीप्लाई करना, अब ये हमारी इच्छा नहीं थी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे सुंदर बात होती है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता। आगे चले डियर, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, फिर वही बात, एल लंबाई, आर त्रिज्या किसी तार का, वाई है लंबाई घटा के l बाई टू, त्रिज्या घटाकर r बाई टू कर दी जाए, तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, ये पदार्थ का गुणधर्म है। हाँ, और ये इस पर, ये किसी भी प्रकार से दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं करेगा, लेना देना उसका, उसका आंसर क्या हो गया भाई, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक पदार्थ की प्रवृत्ति है, जैसे लोहे का यंग का प्रत्यास्थ गुणांक जो है, अब लोहे का छोटा टुकड़ा लो बड़ा टुकड़ा लो, जैसे अपने कहते हैं पानी की स्पेसिफिक एक है, तो पानी चाहे एक ग्राम लो चाहे समुद्र ले लो, स्पेसिफिक हीट की भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये पदार्थ की क्वालिटी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। आगे चले 9 नंबर पे आ जाए, ये हमारा लाडला प्रश्न है, आर त्रिज्या की बूंद को आर त्रिज्या की एन बूंदों में तोड़ने की आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। यहां सबसे बड़ी बात है भैया, छोटी बूंद से बड़ी बूंद बने, बड़ी से छोटी बने, कुछ भी बने, उसमें एक चीज फिक्स है, आयतन, आयतन नियत रहेगा, घनत्व इक्वल टू क्या डियर, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, घनत्व चेंज नहीं होगा, आयतन आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स है क्रिया में आयतन, वॉल्यूम क्या रहेगा, आयतन देखें तो पहले बड़ी है तो 4/3 pi आर क्यूब इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब, 4/3 pi 4 काट दो तो आर क्यूब इक्वल टू एन आर क्यूब, और छोटी बूंद की त्रिज्या जो दोस्तों बन जाती वैसे बनती आर अपॉन N की घात 1/3, ये आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा ये, नहीं याद नहीं हो तो एग्जाम बच्चा निकाल सकता है। अब वो कहता है इसके लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, तो ऊर्जा कितनी चाहिए, तो वो अपने पास एनर्जी जो रहती है सरफेस टेंशन में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी जो रहेगा, टी इंटू कितना होता है, डेल्टा ए होता है, जो हो जाएगा हमारे पास टी, ये हो जाएगा कितना, ए फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बात करें तो अपने पास टी है, ए फाइनल 4 pi, ये बूंद है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं बूंद ऐसे नहीं होगा, यदि बुलबुला होता, ये उल्टा बोल गया मैं, यदि बुलबुला होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, और लास्ट में जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, पर बूंद में कारण है यार, बुलबुले में अंदर भी सरफेस है बाहर भी सरफेस है, बूंद में केवल बाहरी सरफेस, बाहरी सरफेस है, बस कर दो तो 4 pi 4 pi स्मॉल आर स्क्वायर, ये अपने पास छोटी बूंदे, और ऐसी कितनी है अपने पास, एन छोटी बूंदी है, माइनस अपने पास क्या हो जाएगा 4 pi, ये हो जाएगा अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर, बस। तो अपने को आंसर जो है वो स्मॉल आर और एन की टर्म में दे रखा है, तो और आसान अपने पास स्थिति हो जाएगी। दोस्तों नवा क्वेश्चन जो है वो अपने पास आंसर फर्स्ट किया है, 4 pi t ये बन जाएगा, फर्स्ट आंसर किया है, 4 pi t निकालो तो आगे ना स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें केवल थोड़ा होता है वो कॉमन लेता है, वो आर क्यूब बन जाता है, एक प्लस होता है याद है, 4 pi t आर स्क्वायर अपॉन 1/r माइनस 1/r, थोड़ा उसका रूप हो जाता है मॉडिफाई, तो ये सब चीजें वॉल्यूम की टर्म में होता है, वॉल्यूम टर्म में होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं डियर, फिर एक कांसेप्ट अपने आप में, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनना कुछ याद आ रहा है क्या, रहे इलेक्ट्रोस्टेट में होता है ऐसा, बड़ी बूंद की सरफेस का पोटेंशियल V है, तीव्रता E है, उसकी एन छोटी बूंद बना दे तो एक पोटेंशियल क्या हो जाएगा और तीव्रता क्या हो जाएगी, पेट क्वेश्चन है, कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, इसको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 2021 की नीट में हमारे अजय यादव का एक ही प्रश्न गलत था, वो बड़ा गलत हुआ था, पूरी कोचिंग का सही था उसका गलत हुआ था, फिर उसके नंबर 700 आए थे, वो 705 में होता चारों की तरह, इसलिए कई बार जरूरी नहीं है कि आप इसलिए क्वेश्चन गलत कर रहे हो कि आपको आता नहीं है, इसलिए भी गलत हो जाता है जल्दीबाजी, वजह मेरा ये गलत हुआ, सबका सही है, वो उसको बड़ा ही फील हुआ, तो खैर वो तो एम्स दिल्ली पहुंच गया, खास बात नहीं, 700 में दिल्ली एम्स था, 705 रैंक थोड़ी 100 से नीचे आ जाती है उसकी। ओके डियर आगे चले, अब फिर देख, एक ठोस गोला वायु में 10 m/s के सीमांत वेग से गिरता है, तो यदि इसको द्रवात्मक गिराया जाए तो जरा बताओ क्या होगा,
अगर अपन वायु में बात करें तो हमारे पास स्थिति ये रहेगी या पोजीशन जो रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर अपन देखें तो ये जब गिरना शुरू होगा तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन तो जी रहेगा yes. पर जो वायु या एयर की जो लेयर्स रहेगी yes. वो इसकी मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी, हाँ, जिसकी वजह से इस पे हमारे पास विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। बट वैक्यूम में वो नहीं होगी। हाँ, और वैक्यूम में ये लेयर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से ऐसे टर्मिनल वेलोसिटी से कुछ ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये जब मूव करेगा यहाँ पर तो yes. हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर किसी टर्मिनल वेलोसिटी से आगे जाके चलेगा। yes. ठीक है, अब अपन बात करें जब वैक्यूम की बात आ रही है तो वैक्यूम में हमारे पास यहाँ पर ये लेयर्स ही नहीं है तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। टर्मिनल उस टाइम पर आपके पास ये मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इसका हाँ और उसका वेग लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता रहेगा, जिसमें इक्वेशन जो अपनी फॉलो होगी वो वन डी मोशन वाली यू प्लस क्या होती जाएगी, यू प्लस एटी वाली आपकी। तो इस टाइम पर उस केस में हमारे पास वहां कोई सीमांत वेग नहीं होगा। ये अच्छी बात होगी इसमें। थैंक यू, आगे चले। फिर वो क्वेश्चन आ गया, एक गोले को जल के अंदर डुबोते हैं, 1/3 भाग बाहर रह के तैरता है, जब गोले किसी अज्ञात में डुबोते हैं तो 3/4 बाहर भाग जाता है, अज्ञात में तो बताओ ये बहुत आप करें इसको गोले को ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो है बाहर वाला भाग है, तो अगर अपन इसको देखें तो ये आउटर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि 2/3 पोर्शन जो रहेगा वो इनसाइड रहेगा। yes. इसके लिए अगर अपन देखें तो 3/4 बाहर है, यानी कि इसका 1/4 जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, इनसाइड रहेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और अपन ये जानते हैं कि अपने पास इमर्ज्ड वॉल्यूम जो होता है v इमर्ज्ड अपॉन v जो रहेगा उसका फॉर्मूला होता है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये है, इसको बोलते हैं अपन द फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, या डूबे हुए भाग का वह भाग, ऑब्जेक्ट का वह भाग जो डूबा हुआ है। ठीक है, ये रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर देखें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो बन रहा है ये है डूबा हुआ भाग, अपने पास पता चली गया है, तो yes. पहले वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। yes. ठीक है, दूसरे वाले केस की बात करें तो किसी और लिक्विड में अपन उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, यानी कि अब आपका सॉलिड तो सेम है, ये पहला लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास सॉलिड सेम है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो सेम हो गई, और लिक्विड जो है अपने पास क्या है, हाँ, ये अपने पास हो जाएगा डेल्टा L2, हाँ, रो L2 हो जाएगा, रो L2. जो बन जाएगा हमारे पास कितना, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये जो अननोन लिक्विड है इसकी डेंसिटी अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। yes. पहले आपके पास पहला लिक्विड जो है वो कौन है, वाटर है, तो इनका अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। yes. तो ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन पहला वाला लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर अपॉन अपने पास दूसरा चल रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दूसरा लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, इधर बन जाएगा हमारे पास 2/3 अपॉन क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/4। डेंसिटी ऑफ सॉलिड से डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, हमारे पास ये जो टर्म बन जाएगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नंबर 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर, बराबर ये जाएगा ऊपर 8/3। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है सीजीएस में कितनी हो जाएगी, 1/1, तो अपना रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8/3 ग्राम पर सीसी। और देखो ग्राम पर सीसी लिया, सीसी लिया मैंने, एमकेएस हजार हो जाती है, एमकेएस में हजार हो जाती है, बड़ा लफड़ा है, लोग अक्सर पानी के घनत्व में क्या, अरे एक तो सीजीएस में, हां सीजीएस में, एमकेएस में जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। सुनो भाई, फिर अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए, छोटे छोटे प्रश्न लगता है लेकिन सब प्रश्न अपने कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं इसमें। आगे चले, अगला प्रश्न, जल से भरे पात्र की तली में छिद्र है, तली पे कुल दाब इतना है, तो छिद्र से निकलने वाले जल का वेग क्या होगा, जल बताएं बिल्कुल। फिर से ये एक ये बर्नौलीज़ थ्योरम पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने पास क्या चल रहा है, ये अपने पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर में अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक होल कर दिया है। इस जगह पर अपने पास प्रेशर जो है वो क्या है, पी जो 3 atm बोल रहा है, तो यहाँ का प्रेशर जो है वो अपने पास कितना हो गया, 3 atm हो गया। यहाँ बाहर अगर अपन देखें तो यहाँ पर बाहर प्रेशर 1 atm रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर जो लिक्विड आ रहा है उसकी वेलोसिटी अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर जो रहेगा वो सब हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि अगर अपन देखें तो यहाँ पर तो लिक्विड रेस्ट पर है। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन यूज करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर वाली कंडीशन में पी जो है हमारा कितना चल रहा है, दैट इज 3 atm पहले वाले केस को, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी कंसिडर करते हैं अपन, 0। ठीक है, तो ये अपने पास इनिशियली तो क्या हो चुका है, 3 atm हो गया है। yes. इधर वाली कंडीशन वो जीरो हो गया आपका, इधर वाली कंडीशन, हाँ, ये वाली टर्म यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म अपनी क्या हो चुकी है, जीरो हो गई है। अब अपन यहाँ पर बाहर की बात करें तो बाहर आपके पास कितना है, 1 atm है, प्लस अपने पास यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रहेगी तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ,
रूवी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 3 ATM 1 ATM यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ATM जिसको अपन लिख सकते हैं 2 × 10^2 कितना लिख सकते हैं 5। ये हो जाएगा 1/2 डेंसिटी, अपने पास लिक्विड जो है वो जल है, तो ये हो जाएगा 10³ MKS में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास वी स्क्वायर। सर ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा 10^3 को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10^2 और ये 2 उधर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 दे दिया। तो अब एक बात फिर देखें, √400 क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर सिंपल कब है जब आपको फॉर्मूला आता है, खास बात ये। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फॉर्मूले याद नहीं है साहब, फॉर्मूले, पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद वो आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए, याद हो तो काम नहीं चलेगा, इसलिए सबसे पहले शुरुआत फॉर्मूले से होती है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो पेपर का आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं ये प्लस गुरुनीति 23 जो अपलोड करेंगे ये सारी भी आप ढंग से देख लेते हो तो मान के चलो कि जो लड़का 100 नंबर बैठा है ना वो 150 पार कर लेगा, और फिजिक्स 150 बहुत होते हैं, किसके जो आज 100 पे है। ठीक है डियर, आगे चलें, शांता गुणांक फिक्स है भैया, एक मात्रक हमेशा इसका आता है तो कौन सा मात्रक हुआ इसका हमारे पास फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो स्टोक का नियम क्या बोलता है, एफ बराबर क्या रहेगा 6 πηR × क्या रहेगा वी। अब हमेशा ये फॉर्मूला अपने आप में, ये फॉर्मूला है, इसने लिखा हम लोगों ने, तो ये है 6 πηR जो हो गया कांस्टेंट हो गया, ये फोर्स हो गया अपने पास न्यूटन, शांता गुणांक का मात्रक अपने को पता करना है, ये है त्रिज्या जो आ जाएगी मीटर में, ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से शांता गुणांक का मात्रक बना देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या न्यूटन सेकंड पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर को भेज देंगे नीचे, सेकंड आंसर हो गया, आराम से यही तो है। अब देखो विस्कोसिटी का पीछे फॉर्मूला जो बताया सर ने वो फॉर्मूला याद है, हाँ, तो बहुत ईजी, फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। आगे चले, हाँ, तो चाचा सर सुखदेव सर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 7 मई 2023 को आने की संभावना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की भाषा में समझाओ क्या, आप पेज खाली करें भाई, इसमें क्या होता है कि एक ऐसे को गोला टारगेट होता है जिसका मास क्या है m, इसमें कोई स्मॉल m मास की v वेलोसिटी की गोली धस गई, बिल्कुल धस गई तो एक हो गए, एक होके कहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गया तो निश्चित बात है कि ये इसमें धसी, तो घटना से पहले और घटना के बाद आ जाओ, तो घटना से पहले क्या है m मल्टीप्लाई v, कैपिटल m किस है 0, घटना के बाद अब ये सारा का सारा यहाँ एनर्जी कौन थी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ सर क्या होगी पोटेंशियल होगी, तो यहाँ पूरी कितनी है काइनेटिक है, काइनेटिक एम प्लस एम मल्टीप्लाई वी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू mgh, हाँ, m प्लस m mgh, इसको काट दो, हाँ, तो हकीकत देखा जाए तो v डैश का मान आता है √2gh। अब सुनो बच्चों, ये आपको याद करना होता है, कोई पेंडुलम मेन पोजीशन से अधिकतम हाइट पे जाता है तो सीधा फॉर्मूला होता है v डैश √2gh, बस अभी v डैश √2gh से इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाओ मैं पुट करता हूं, तो mv m प्लस m √2gh बोल रहा बेटा v, और ये हमसे क्या पूछ रहा है, उठता है तो गोले का वेग कौन है, v है, तो m प्लस m अपॉन स्मॉल m, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों 14 का बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट रूप से कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर, तो सारे फंडे काम आ गए, सारे कॉन्सेप्ट काम आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन सब आ गया, बैलिस्टिक बिल्कुल, और फिक्स है v इक्वल √2gh। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए भैया, फिर वही कहानी आ गई, एक स्थिर कण M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण विस्फोट हो जाए, ये द्रव्यमान विपरीत दिशा में V1 V2 वेग चाल से गतिमान हो, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात E1 अनुपात E2 है, आ जाओ तो करें, हमारे पास जब अभी एक ऑब्जेक्ट जो है अगर ब्लास्ट हो रहा है तो ये कोई भी M मास का है, जिससे अगर अपन देखें तो एक M1 मास हो गया, और ये लेस से V1 से जा रहा है, सही है, और ये अपने पास मान लो M2 हो गया, और ये मान लो V2 से जा रहा है, कह दे इसको अपन M2 कर दे, यस बिल्कुल, लेकिन एक खास बात है, घटना से पहले का मोमेंटम और घटना के बाद का मोमेंटम सेम हो, बराबर भाई, कोलिजन बिफोर मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अच्छा कुछ भी हो
इसमें दान का बम फटना, तीन टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, ये सारा फंडा स्टार्ट कहां से होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन से। ओके डियर, तो घटना से पहले मोमेंटम क्या है? जीरो। जीरो इक्वल टू क्या हुआ? दो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी का जोड़ जीरो करना है तो माइनस का चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा। बस आपका ये कोण आ गया। अब हमारे पास दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। यस। अब अपन एनर्जी के रेशियो की अगर बात करें तो एनर्जी मोमेंटम की टर्म में अगर अपन दे तो एनर्जी जो होती है मोमेंटम की टर्म में क्या होती है? पी स्क्वायर अपॉन टू एम। जबकि दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो क्या है? सेम है। तो एनर्जी जो हो जाएगी वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू M2 अपॉन M हो जाएगा। M2 अपॉन M1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों आंसर क्या आ गया? 4। बोलो हां या ना। आराम से क्वेश्चन चल रहे, बढ़िया वाले। चले आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे आ जाओ भैया। एम द्रव्यमान का कण V वेग से गतिशील है, 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से टकराकर उसे चिपक जाता है, इस निकाय का वेग क्या होगा? भाई सुनो यार, तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन पूरी बात करें यार। एम वी बी टू एम जीरो बस। दिस इज 3m v डैश। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो एम वी इक्वल टू क्या आएगा? 3m v डैश। mm कट गया तो v डैश इक्वल टू v/3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए और आजकल नीट का लेवल यही है। आगे चले 17 में आ जाओ। ये यार अपना लाडला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ए आर रेडियस कितने को ध्यान दो, मैं थोड़ा समझ रहा हूं इसको। एक गोला है, एक कण है, वो ऐसे घूम रहा है, ध्यान दे मेरे पे, ऐसे घूम रहा है। तो ये जो लाइन इस पर आप खींचोगे, ये इसकी स्पर्श रेखीय त्वरण है, टेंजेंट एक्सिस ये एटी है, और सर्कुलर घूम रहा है, ये कौन है? ए आर है। ये कौन है? एटी है। ये कौन है? ए आर है। तो एटी और ए आर तो क्या हो गए? लंबवत हो गए। बस बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, बिल्कुल। बस आगे चलो। AR व AT त्रिज्यीय और स्पर्शिक त्वरण है। जब कण एक समानुवर्ती गति में गति करता है, समानुवर्ती गति, ध्यान सुना, समानुवर्ती गति है, तो समानुवर्ती गति में भाई AT जीरो कभी? AT तो जीरो रहेगा। AT तो जीरो रहेगा। जीरो रहेगा। समान है तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा है, चाल नहीं परिवर्तित हो रही है, तो AT तो हो जाएगा जीरो। और वर्ती गति के लिए रेडियल सेंट्रिपिटल वो हमेशा, हाँ, तो AR हाँ, वो हमेशा चलता रहेगा। AT तो जीरो, AT तो जीरो हो जाएगा, होगा, और AR जीरो नहीं होगा। और यदि बाई चांस एंगल पूछ लेता तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो डियर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 17। तो आंसर नंबर आपका AR जो रहेगा वो तो हमारे पास जीरो नहीं रहेगा, और AT हो गया जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ये बात ना सुना, यूनिफॉर्म ऐसे गोला घूम रहा, तो एक तो ये AT है और ये AR है। इसके जिधर है AT जो रहेगा वो तो चाल में परिवर्तन करेगा, यानी कि इसकी चाल अगर बढ़ रही है तो AT जिम्मेदार होगा। सही है। तो इसने तो बोल दिया एक समान है, यानी कि चाल परिवर्तित नहीं होगी, और वर्ती गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण तो हमेशा होना ही चाहिए, डायरेक्शन चेंज कराने के लिए। आगे चले डियर, क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु 100 मीटर त्रिज्या के वर्त पे इतने मीटर पर सेकंड के नियत चाल से गति कर रही है, पूर्ण चक्कर लगाने में उसकी औसत चाल क्या होगी? बस इसमें कुछ नहीं है, आपको पहले ही बोल दिया है कि नियत चाल है, किसी नियत राशि का औसत कितना होता है वही मान होगा। औसत वेग पूछ रहे, तो औसत वेग एक चक्र में कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? उत्तर क्या जाता है? जीरो। औसत चाल हमारे पास क्या हो जाएगा? ये, और एवरेज वेलोसिटी अगर होती तो वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन आ गया, एक 4 मीटर त्रिज्या का साइकिल का पहिया एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा करता है, तो साइकिल के पहिए पे स्थित किसी बिंदु का त्वरण क्या होगा? निकालें भैया। तो हमारे पास पहिए की जो रेडियस दे रखी है वो अपने पास 4 मीटर हो गई है, ठीक है, और एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, यानी कि आपको आवर्तकाल दे रखा है। एक चक्कर आवर्तकाल अपने पास कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कण है उसका अपने को एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो v स्क्वायर अपॉन या ओमेगा स्क्वायर। एक ही बात है, देखो मेरी बात सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बटे r या m ओमेगा स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा v ओमेगा v। यस, देखो ना, ये बिल्कुल m स्क्वायर बाय r या m r ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा v। अब डियर ये तो f है, ए चीज एम गायब कर दो, एम गायब कर दो। हाँ। अब आपको इसमें क्या चाहिए? एम आर ओमेगा स्क्वायर चाहिए। हाँ। तो ये आपका कौन आ गया? ए इक्वल टू क्या आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर। वो क्या होता है? 4π² अपॉन t² आर कितना? 13। 4 ये 4 चौक 16, तो 16π² / 4
टी स्क्वायर टी की वैल्यू अपने पास दो सेकंड हो, दो सेकंड है ये अपने पास, टी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी ये अपने पास कितना बन जाएगा, चार बन जाएगा, चार बन जाएगा, से सोलह वापस अपन कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर पाई स्क्वायर अपना रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, फोर पाई स्क्वायर अपना रिजल्ट हो गया। कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन 19 आंसर नंबर 3। ये लो, मतलब ये अपने आप तब तक दिमाग में चलते रहते थे, ये तीन फॉर्मूले हो गए, या तो वी में चाहिए या ओमेगा में चाहिए या वी और आर गायब कर दो, तो तीन फॉर्मूले बन गए। फिर सुनो बच्चों, आप इस तरह जैसे हमारे दिमाग में अचानक बात चलती रहती है ना, तो वैसे एग्जाम में भी अचानक बातें तभी आएंगी जब आप सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे। आगे चले, क्वेश्चन 20 में आ जाए। फिर देखो, दो मास 1 kg.5 kg एक ही दिशा में 2 m/s 6 m/s चिकने सतह पर गति कर रहे हैं, समूह के द्रव्यमान केंद्र वेग क्या होगा, जरा बताएं भाई। आ जाए, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या रहता है अपने पास, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस फिक्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 जो है कौन, पहला 1 kg मल्टीप्लाई एक ही दिशा में, तो आपको डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेनी है सारी वेक्टर पॉइंट, तो ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस दूसरा देता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1.5 तो 1.5 इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहां देखो, दो तीन चीजें हैं, ये तो वीसी आम आ गया, यदि आपसे पूछता आरसीएम तो क्या करते, m1 r1 प्लस m2 r2 / m1 वो पूछता xx पे क्या है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 / m1 m2 ये yc पूछ लेता, तो m1 y1 प्लस m2 y2 / m1 प्लस m2 एक चीज पकड़ो तो पूरी डोर खुलती है। बिल्कुल, लंबा सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट लंबा तब होता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं, नहीं हो। आगे चले, फिर अपना दूसरा क्वेश्चन आ गया, दो यदि समान द्रव्यमान वाले दो कण, देखो समान द्रव्यमान के दो कण पथों की त्रिज्या अलग अलग है, एक की रेडियस ये है एक ये, समान अभिकेंद्रीय बल के लिए इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल अपना समान है, समान द्रव्यमान भी बोल दिया है, ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल आपको चाहिए चाल, यानी कि आप अभिकेंद्रीय बल का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें चाल आती हो ठीक है, तो फोर्स अपने पास अभिकेंद्रीय बल का चाल mv² / क्या हो जाएगा r। मेरा एक बार कहना चाहूंगा यहां, फिजिक्स में तीन चीज होती है, एक कॉन्स्टेंट है, एक बदलता है, एक बदलवाता है, तो वो फॉर्मूला लेके आओ जिसमें कॉन्स्टेंट भी आए, जो बदलता वो भी आए, जो बदलत वो भी आए, उनके पीछे जो फिर डायलॉग है मेरा, जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओ। अगला साहब क्या कह रहा है, अभिकेंद्रीय बल समान है इसके 1 नहीं आएगा, अगला कह रहा मास समान इसके 1 नहीं आएगा, तो केवल 1 ही आएगा, v1 के और r1 के। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी डियर, m v2² / r2 बाया भाग बराबर दाया भाग बराबर, तो v1² / v2² / r2 / r1 पूछा क्या तेरे से, अनुपात चाल कर पूछा है, तो √r2 / r1 रूट आ गया, तो आ गया ना चाल में पूछे ना, तो v1/v2 क्या हो गया, √ r1/r2 एक, हाँ यहां गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में, हाँ सही है, ये r1/r2 क्या आएगा, हाँ सही सही r/r2, तो इसको उठाओगे तो रूट हो जाएगा, तो √r1/r2 तो रूट 1:2 ये लो जी, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन है भैया, 21 नंबर क्वेश्चन है, लुक नंबर की भी से चल रही है, कई बार क्या की में कुछ और दे देते हैं, ये लो आ गया। अब इसमें यार कॉन्सेप्ट है, मेरा सीधा तरीका है, जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ और 1-2 का भाग टिकाओ, 1/2 इसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके आगे चले, मैं फिर से कहना चाहूंगा, पेपर हम जब सुखदेव सर आए, हम जब पेपर देख रहे थे तो मैंने कहा सुखदेव आज तो यार बिना सोल्यूशन पेपर करने चलते हैं, और ये सुखदेव मेरे तो देख रहा है कहाँ कहाँ से आपको याद है, मैं तो पढ़ाए छोड़े बहुत साल हो गए यार, तो महसूस कर रहा ना, हकीकत में मेरा मानना है कि फिजिक्स से वो सब्जेक्ट है, एक बार सेट हो गया ना तो ये भूलता नहीं है। सुखदेव आप आए थोड़ी देर साथ साथ रेस्ट लेते हैं, माइक आप पकड़ाए, बिल्कुल स्टूडेंट चलते रहती है, तो नेचुरल प्रोसेस हमारा, और हमारा मानना है कि नेचुरल सब कुछ होती है। आगे चले, चलो भैया आप उत्तर, एम मास का कण है, आर त्रिज्या के वर्त पे गतिशील है, कण का अभिकेंद्रित त्वरण सेंट्रीपेटल फोर्स 4/r² है, तो कण के संवेग का परिमाण क्या, चलो जाओ शुरू। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है कि एम द्रव्यमान का पार्टिकुलर अपने को एसी दे रखा है, अपन जानते हैं कि एसी इक्वल टू क्या होता है, v² / r होता है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे v² / r, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 4/r² होगा। यस, अब यहां पर अपन एक आर से अपन एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से अपने पास v की वैल्यू आ जाएगी, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/ ये हो जाएगा √r दे, यस, और अपने को सीधा से मोमेंटम पूछ रखा है, p इक्वल टू m into v इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, 2/√r, तो 2/√r सेकंड आंसर अपना करेक्ट हो गया।
बेटा आगे जाओ सुखदेव सर, क्वेश्चन 23 पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एम द्रेमान का एक लड़का लंबाई एल तथा द्रेमान एम के लकड़ी के एक तख्ते पर खड़ा है, ये अपने इस प्रकार से तख्ता बना दिया और ये तख्ता पानी में तैर रहा है, तो मतलब पानी में तैरने का मतलब होगा कि तख्ते और पानी के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, तो अपन यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे। वो फिर कल की बात आ गई, हमारा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद में लड़का तख्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे पर नियत चाल से गति करता है, तो तख्ते का परिणाम विस्थापन कितना देगा? तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई तख्ता हो गया, यस, और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, खड़ा है, ठीक है, और इस लड़के को अपने को यहाँ से यहाँ तक लगाना है, यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है। तो अब अपन ये देखते हैं कि जो लड़के का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना देगा बताओ? ये बट ये जो प्लैंक है ना, वो इसको एक्स वापस पीछे की तरफ लेके आ जाएगा, क्योंकि प्लैंक भी कितना रहा है, पीछे की तरफ एक्स आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना देगा? एल माइनस एक्स हो गया। इसका जो मास है वो कितना देगा? कैपिटल एम। और इसका मास कितना है? स्मॉल एम। तो इधर का एम एक्स इक्वल टू इधर का एम एक्स कर दो आप, ठीक है, सिंपल वे में अगर अपने बात करें तो इस लड़के का कितना देगा? एम इंटू कितना देगा? एल माइनस एक्स हो गया, और इक्वल टू प्लैंक का कितना देगा? कैपिटल एम इंटू क्या देगा? एक्स हो गया। अब यहाँ पे अपने को क्या पूछ रखा है? अपने को एक्स, अपने को एक्स पूछ रखा है ना, तख्ते का तख्ते का विस्तार पूछा है, सही है। तो इसको अपन बोल सकते हैं स्मॉल एम एल माइनस कितना देगा? स्मॉल एम एक्स इक्वल टू देगा आपके पास है कैपिटल एम इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से अपन एम एक्स को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, एक मिनट, तो ये स्मॉल एम कैपिटल एल इस एक्स बाहर निकालेंगे अपन, बिल्कुल, तो क्या बचे? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, स्मॉल एम, फिर क्या चाहिए? एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम मल्टीप्लाई एल, कौन सा आंसर हो गया आपका? तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन ये बहुत बहुत आया। आप यहाँ बिल्कुल कुछ बताएंगे नहीं, ऐसा ऐसी कंडीशंस में जब भी अपने को सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है, तो आप ये सोचे कि ये जो आदमी चल रहा है, इस आदमी के चलने की वजह से आदमी और तख्ता दोनों ही कहाँ आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, इस आदमी के चलने की वजह से आदमी और तख्ता दोनों ही कहाँ पीछे आ रहे हैं। तो अपन अगर इक्वेशन लिखे तो देखो, आदमी कितना है? एम, चल कितना रहा है? एल, जिसकी वजह से आदमी और तख्ता दोनों ही कहाँ आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, कितनी दूरी तक? x आ रहे हैं, ठीक है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्ड इक्वेशन है। तो ऐसी जो कोई भी इक्वेशन हो उसमें सीधा जो चल रहा है उसकी वजह से सब कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, तो अपने पास x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाँ, वही इक्वेशन। फिर से कहता हूं दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, हम इसको कैमरे को बंद करके भी आपके सामने दोबारा कर सकते हैं, बट ये इसलिए दिखाया जाता है ताकि हर प्रश्न की संभावनाएं होती है। हम दोनों कर रहे थे, वो अभी आंसर था, सर ने बताया वो ट्रिक होगी, ट्रिक कब किसके दिमाग में ट्रिक कर जाए ये डिपेंड करता है आपके लक पे। थैंक यू, ये वास्तव में कनेक्शन हो गया। थैंक यू सर, आगे चले पढ़ा, पेज खाली करें 24 पे, हम कराए आप लोग कहते, बिल्कुल, वो कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिपेंड डिपेंडेंस द एंगल रोटेट ओमेगा, आ जाओ जी, ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा। साफ कहता है चक्की का कोणीय वेग घूर्णन कोण थीटा पे निर्भर करता है, थीटा का मान 1 रेडियन है, तो उसका कोणीय त्रुटि अल्फा बताओ। देख भाई, मैं पेज खाली कर, मैंने कल भी कहा था, सबसे पहले कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट, फिर कौन होती है? वेलोसिटी, फिर कौन होता है? इधर कौन होता है? थीटा होता है, फिर ओमेगा होता है, फिर अल्फा होता है। इसका अवकलन करो, वी का इसका करो तो ये आ जाता है, इसका एक बार कर दो तो यह आ जाता है, या उसका दो वही बात इसके साथ है, इसका d थीटा बाय dt करोगे ओमेगा बन जाएगा, या d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा, या एक ही बात है d ओमेगा बाय क्या बोल दो? dt, एक ही चीज है, ठीक है, फिर वो चेन रूल लगा देंगे अपन, चेन रूल लगा देंगे, यस। अब आगे आप करो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। तो देखो यहां पे अपने को एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, यस, कि अगर अपने को v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है तब अपने को काम में लेना है a = v dv / dx, जैसा कि अपन चेन रूल जिसको अपन बोलते कल बात हुई थी, और इसी प्रकार से अगर अपने पास जो एल्फा है इस एल्फा को अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से ओमेगा डी ओमेगा अपॉन क्या देगा? डी थीटा देगा, थीटा हो जाएगा, वही बात होगी, जैसे ए कुछ वी डीवी बाई डी एस होता है, yes. वैसे एल्फा कुछ ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा हो गया, yes. अब अपने को यहाँ पे ओमेगा कुछ देर का थीटा स्क्वायर प्लस क्या देगा? टू थीटा, ये अपने को देर का है, और सीधा मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, तो अपने को ओमेगा के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो थीटा स्क्वायर का कितना देगा अपने पास? टू थीटा हो गया प्लस टू, और फिर उसके बाद प्लस कितना देगा? ये चीज होगी। अब यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू क्या दे रखी? एक बार क्वेश्चन निकाला भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने को वन दे रखी, वापस खाली कर, तो थीटा की वैल्यू वन पुट कर देंगे, ये देगा प्लस क्या देगा? टू हो गया, टू प्लस इंटू टू प्लस टू इक्वल टू कितना देगा? फोर हो गया।
फोर तो मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 क्वेश्चन निकालना पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन निकालना आंसर क्या आ गया भैया 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये लो जी आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया तो चीज वही चल रही है नहीं होता ही नहीं कुछ पार्टिकल में लगता लंबी है बहुत छोटी पार्टिकल लंबा तो रे ऑप्टिक्स होता है मतलब मेरा तो ये मानना है कि एक चैप्टर के अंदर पांच कंसेप्ट अगर आप ढंग से याद कर लो ना पांच फॉर्मूले पांच कंसेप्ट तो पूरा चैप्टर क्लियर है कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा ना क्वेश्चन सब नए हैं फिर भी कॉन्सेप्ट करीब करीब वही काम आ रहे हैं क्या सर आगे चले क्वेश्चन नंबर 25 निकाले ये तो भाई लाडला क्वेश्चन है एक मास टू है एक वन है तो डियर अपन जानते हैं यहाँ जो ए है बड़ा मास माइनस छोटा मास बड़ा मास छोटा मास मल्टीप्लाई जी तो भाई जी बाई थ्री आंसर आ गया जी बाई थ्री तो इसका आ गया एक्सप्रेशन अच्छा अपने को सेंट्रो मास का पूछा अब आगे चल तो फिर इस ये तो जी बाई थ्री से नीचे आएगा नीचे आएगा ये इस प्रकार से जी बाई थ्री से ऊपर जाएगा अच्छा क्वेश्चन अलग है हाँ। इसका सेंट्रो मास का आगे चलो आगे चलो तो यहाँ पे अपने पास में जो एसीएम है उस एसीएम की वैल्यू अपन निकालते हैं yes. ये अपने पास हो जाएगा एसीएम इक्वल टू एम वन ए वन हो गया हाँ। तो इसका मास कितना देगा टू हो गया टू और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना देगा जी बाई थ्री जी बाई थ्री नीचे की तरफ ठीक है ठीक है तो इसको अपन माइनस लिख दे यस और इसके बाद में इसका जो मास है वो कितना देगा वन हो गया और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना देगा जी बाई थ्री और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ यस अपन प्लस लिख दे नीचे वो मास का जोड़ कर दो मास माइनस जी बाई थ्री बच गया तो माइनस जी बाई नाइन हो गया तो माइनस का तो मतलब क्या हो गया डाउनवर्ड हो गया जी बाई नाइन डाउनवर्ड ही देखना भैया जी बाई नाइन ऊपरवर्ड भी है जी बाई नाइन डाउनवर्ड है मूल बात यह है अब ये फॉर्मूला आ जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी तो वो एसीएम में मूल ए हो गया वो फिर एम वन ए वन प्लस एम टू लेकिन यहाँ रेफरेंस है एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना वैसे एक तो प्लस माइनस का ध्यान रखना अपने को जो तो यार अपने को जो तो आप डॉक्टर बनने ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई आगे चलो ये एक दुनिया का श्रेष्ठ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के रेडियस के बराबर ऊपर लेके जाएं तो वस्तु की स्थिर ऊर्जा में चेंज सीधा फंडा है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर हो गया तो यहाँ पे अपन एच की वैल्यू आर पुट कर देते हैं तो आर आर एम जी आर बाई टू आंसर आ गया आर डिवाइडेड बाई टू आ गया ये इस टॉपिक का श्रेष्ठ क्वेश्चन है बिल्कुल कि यहां से उठा के यहां तक ले गए बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है डेल्टा यू एम जी एच क्यू वन अपॉन वन प्लस एच बाई आर चाहे इसको यहाँ से यहाँ तक राइज करने के लिए अपने को वर्क डन पूछे कार्य पूछे तो भी बोल सकते हैं भाई वो तो W बराबर डेल्टा U है W बराबर डेल्टा K है वो तो सब एक ही है वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय आगे इसमें कई बार क्या सुखदेव मैंने देखा है इससे बच्चों को दिक्कत क्या कई बार हमारे टीचर्स आते हैं ना वो इसको इतना कॉम्प्लिकेट पढ़ा देते हैं आई टी लेकर बच्चों से कुछ नहीं पढ़ने पड़ता मैं यहाँ कहना चाहूँगा बच्चों मेरा आपसे दावा है 7 मई की शाम को पेपर देखना फिर आप देखना आपको कई बार कुछ साथी इतना इतना अनवांटेड पढ़ा देते हैं जो आपको डराता है नीट डराती नहीं आदमी को इसलिए टीचर का ज्ञान होना मुद्दा नहीं है उसका शिक्षक होना मुद्दा है कि एग्जाम में क्या आता है ये मैं भी देख रहा हूं आप भी देख रहे हो मतलब देख कैसा लगे मेरे को तो कहीं तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्लास के अंदर जो मतलब भी नहीं नीट से कोई क्यों कराया भाई सिखा दिया साहब अरे यार बच्चे को क्यों बैठ बजा रहे हो बेचारे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग होनी चाहिए यस आगे चले फिर लाडला क्वेश्चन है वो कहता साहब ये अपने अर्थ है और ये एक आपका है कृत्रिम उपग्रह है ठीक है पृथ्वी की सतह के समीप एक वृत्त कक्षा में विवेक से घूम रहा है जब उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है तो कक्षीय वेग क्या है तो भैया सीधा सीधा फंडा है कक्षीय वेग का फॉर्मूला आई थिंक रूट जी नहीं रूट जी एम बाई आर जी एम रूट कैपिटल जी रूट कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर होता है इसमें कहीं भी सेटल मास नहीं आएगा बस अब स्मॉल आर क्या है अब खास बात है ना भैया स्मॉल आर आर प्लस एच है ना भैया और ये पृथ्वी की त्रिज्या के पृथ्वी की सतह के समीप हो गया ना अगला कह रहा है उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह की पृथ्वी की त्रिज्या से आधी हो जाए तो ये एक्चुअली में क्या बन गया 3r/2 बन गया बिल्कुल ये 3r/2 बन गया हाँ दूसरे केस में हाँ पहले केस में ये क्या पृथ्वी ओ भाई फिर वो इक्वेशन समीकरण एक बनाओ समीकरण दो बनाओ जो बदलता उसके पीछे 1-2 लगाओ और एक में दो का भाग टिकाओ तो सीधा सीधा इसके 1 लगेगा इसके मन लगेगा बोल हाँ आना तो मैं ऐसे कह दू तू कहे तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो गया बोल पुत्र बिल्कुल बोलू अब तेरा V1 तो क्या है V2 को V' कह दे अब तेरा R2 क्या है बाद वाला ये वाला तो ये प्लस ये R प्लस R/2 3R/2 बन गया 3/2 R और ये तेरा केवल क्या है कैपिटल R
ये कैपिटल आर है बिल्कुल, अति निकट है, तो बस तो वीडीएस का मान क्या आ गया, इधर ले जा रूट टू बाई थ्री वी, आपका 27 का थर्ड आ गया, की भी चेक कर लेते हैं भैया, 27 का आंसर की चेक कर लो, 27 थर्ड बिल्कुल हो गया साहब, ये लो जी 27 क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं कर रहा इसमें। तो यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है उसका मास से कोई रोल है नहीं है, और यहाँ पे एक चीज छोटी सी अपन ध्यान भी रख, एक एक मिनट पेज खाली करना, यहाँ एक चीज पुत्र और भी है, आपने मुझे फॉर्मूला बताया रूट जी एम बाई स्मॉल आर, लेकिन एक चीज मुझे और भी याद आ रही है, ये जो जी एम है आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, तो ये दोस्त फॉर्मूला रूट है, आरजी भी होता है, आरजी भी होता है, और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, ये कक्षीय वेग है, एक प्लाइन वेग भी होता है, वो रूट टू जी आर होता है, एक के पीछे 41 बढ़ना है, 41% यानी किसी भी उपग्रह के कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दिया वहां से वो प्लैनेट कर जाएगा, ये लो जी आ रही चीजें अपने आप, ये ऐसे होता है, आगे चले, फिर आ गया दो ग्रहों की सूर्य की दूरी ये है, ग्रहों के आवर्तकाल का अनुपात क्या है, आवर्तकाल तीसरा नियम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2, टी वन बाई टी टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू की होल पावर 3/2, तो भाई 10^13/10^10 कितना बचा, 10 की और सुन दस का क्यूब कर रूट कर, 10√10 आ गए, 10√10 आ गया आंसर हो गया 28 में, कौन सा आंसर हो गया, तो की भी चेक करें थर्ड हो गया, कई बार क्या की गलत होती है, ये लो जी बात होगी, बड़ा सिंपल है, चल रहे हैं आराम सब कुछ, हमारे सर्वेश जी भी आए, आओ सर्वेश जी आपकी मुलाकात भी करते हैं, आ जाओ लाइव, सेनी जी भी आप आए, ये हमारे सर्वेश सर है, देखो हमारे साथियों को बड़ा चार्म है, अब साथी क्या हमारे सेशन एंड हो रहा है, ये शूटिंग आज हम लोग कर रहे हैं 18 मार्च को, और कल 19 मार्च का संडे, 25 मार्च को हमारा सेशन पूरा हो रहा है, आपकी सभी 5-5 क्लास थी, जो कम के 3 दिन होगी तो चलो चमक है, ये हमारे पीएल सेनी जी है, अलवर सेंटर के हमारे सेंटर हेड है, तो ये देखने आ गए मैं, मतलब इनको बड़ा मजा आ रहा है, यही सीएलसी की टीम भावना साहब, आप विराजे साहब, आप बायोलॉजी की फैकल्टी है, बायोलॉजी में काम आएंगे आगे, चलो ये मेरा फिर प्रश्न आ गया, ये अगला क्या कहता है, ये आ गया ना, ये रही आ गया, ये देख भूस्थाई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, देख डियर उसका वी ओ जो है वो होता है रूट आर जी, और एक्सेप्ट वेलोसिटी वी ई है वो है रूट टू आर जी, रूट टू का मान 1.41 है, एक के पीछे 0.41 है, 100 के पीछे 41 वृद्धि कर 41.4% की, ये ले बछड़े बोल जाता है मेरी भाषा में, बृंदा हो गया, मजा आ रहा है ना रे, यही सॉल्यूशन है फिजिक्स से, मुझे तो नहीं पता लोग क्यों डरते फिजिक्स से भाई, आगे चले, फिर आ जा एक दर्द की अपने बुझाओं पैरों को फैला के घूर्णन कर रही है, ये अपने बुझाओं को पैरों सिकुड़ दे, तो भैया सिकुड़ दे तो यहाँ वो कोणीय संवेग I1 ω1 = I2 ω2, I क्या होता है mr² ω = क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, वो भुजा सिमट देती है, आर का मान कम हो जाएगा, ओमेगा का मान ज्यादा हो जाएगा, तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग क्या पूछता है, पैरों को सिकोड़ता है तो आर घटता है, जड़त्व गुण घट गया, आर बिल्कुल ठीक है, आर घटता है, और एक ही बात है आंसर जाना पड़ेगा, तो आपका सीधी सी बात है इसमें आर घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन जड़त्व गुण तो एम आर स्क्वायर होता है, तो एम तो वही है, आर घट गया तो जड़त्व गुण घट गया, वही बात है, अब उसकी इच्छा है मैं क्या करूं, तो 30 का आंसर दोस्तों क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया, और यदि वेलोसिटी की बात करता तो जहां आर बढ़ता है ओमेगा घटता है, ओमेगा घटता है तो आर बढ़ता है, आगे चले भैया 31 में आ जाओ, तो सुखदेव सर ये मेरा इस पेपर का अब तक का सबसे प्रिय प्रश्न है, आगे मुझे पता नहीं क्या होता है, इसका हेडिंग है मेरा नत्तल पे पिंड की लौटनी गति रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये प्रश्न क्या कहता है मुझे इसको पता बाद में बात करता हूं उसको मैं, वो एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, वो लुढ़कते 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 यहाँ आती है, तो यहाँ इसकी सारी की सारी एनर्जी माइट लॉट डियर MGH है, वो सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, पर कौन सी काइनेटिक में, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका एक सॉल्यूशन का फंडा होता है कि हाफ एम स्क्वायर बाहर निकल जाता है, 1+k² / r² पेज खाली करना भैया, अब एनर्जी हमेशा क्या होती है, तो यहां की एनर्जी इक्वल टू यहां की एनर्जी, तो MGH हाफ MV square, 1+k² / r² वापस आना,
गोली एक कोस है जिसका क्या होता है टू बाई थ्री वापस कुछ रुपए आ जाओ, ये तेरा क्या हो गया पुत्र टू बाई थ्री एम सेम काट दे, ये तेरा जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, ये कितना हो गया पुत्र पांच बटे तीन बिल्कुल तीन से चल रहा तेरा मामला तेरे के बीच है ना, ये ले तू सीधा कर दूं, ये तेरा क्या हो गया छह, ये ले पुत्र ये हो गया छह जी एच अपॉन फाइव, आंसर निकाल लो भाई छह जी एच ये लो फाइव आंसर आ गया, ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले फिर वही कहानी आ गई, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है, इसकी त्रिज्या पृथ्वी त्रिज्या की आधी है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी भार 9 न्यूटन है उसका भार ग्रह पे क्या होगा, तो डियर अपन जानते हैं जी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर वही पर्सन जो बदलता हो उसके पीछे 1-2 लगाओ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग टिकाओ, इसके 1 लगा इसके 1 लगा और इसके 1 लगा, क्योंकि एम बदल रहा है आर बदल रहा है जी बदलेगा, शुरू करो बात को, तो डियर तेरा क्या आएगा जी टू अपॉन जीवन, क्या आएगा एम टू अपॉन एम वन मल्टीप्लाई आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर हो गया, गलत तो नहीं कर रहा हूं, आगे चल पुत्र एम टू क्या है अपन इसको ये माने ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 1/9 है, तो अपन इसमें एक कर सकते हैं वन को अपन पृथ्वी मान लेते हैं, बिल्कुल वन को अपन पृथ्वी मान लेते हैं, तो ये पृथ्वी का मास है एम, और ग्रह का मास पृथ्वी के मास का 1/9 है, एम बटा नो हो गया, अब रेडियस किसकी है पृथ्वी की है, वो तो क्या होगी आर का स्क्वायर, उस किरण आदि है, आदि का मतलब क्या हुआ आर स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया तेरा डियर 4/9 अब तू क्या कह रहा है डियर कि जी टू अपॉन जी वन इक्वल टू क्या बोल रहा है 4/9 अब वो कहता है कि वस्तु का पृथ्वी पे भार नो है, तो एम नो कर दिया की बात हो तो कट जाएगा, तो नो करेंगे तो इसको नो कर तो 81/4 जीवन 81 हाँ जीवन को नो कर देते हैं जीवन को हाँ सॉरी जीवन हाँ यस पृथ्वी वन है ना, तो नो नो से नो कट गया, इसका मान क्या आ गया 4 आ गया, बिल्कुल एक बेटा काम आ रहा है जो बदलता है उसके पीछे 1-2 लगाओ, 1 में 2 का भाग लगाओ, भाग टिकाओ ऐसे टिकाओ ऐसे हॉल बनता है इससे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके औकात में आप ऐसा नहीं कर सकते, मिर्ची लगती है ना ऐसे, जैसे कुछ शब्द ऐसे जो भारी पड़ते हैं आदमी का ना, किसी बच्चे से कहने नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, अरे तेरी औकात तो नहीं करने की, फिर देखो ऐसे कूदता स्प्रिंग की तरह, बोलो हाँ ना आगे चले चलिए आपका दो, ये कह रहा है कि द्रव्यमान एम तथा लंबाई एल की एक पतली छड़ अपने मध्य बिंदु पर 2 आधे हिस्सों में इस प्रकार मोड़ दी जाती है कि इनके बीच का कोण कितना 90 डिग्री हो जाता है, ये रोड थी और इसको अपने इस प्रकार से मोड़ दिया, तो पहले ये रोड इस प्रकार से इस प्रकार से यू थी, ठीक है, तो इसके सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था ML² / 12 था, 12 था, अब अगर आपने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया तो देखो पहले ये जो हाफ पार्ट है ना ये भी इस एक्सिस के क्या था लंबवत था, और ये वाला भी इसके लंबवत है और अब भी लंबवत है, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, द्रव्यमान का जो वितरण है वो बच्चों उसी प्रकार से है, तो अपन बोल सकते हैं इसका आंसर ML² / 12 वही रहेगा, 33 का आंसर नंबर क्या हो गया पुत्र 4, आंसर चेकना जरूरी है, बिल्कुल कई बार क्या की कुछ और जाती है, आगे चलो ये प्रश्न फिर आ गया इंक्लाइन प्लेन का, इसका सीधा फॉर्मूला मुझे याद है A=g sin θ / 1 k² / r² ये कौन है पुत्र ठोस गोला है, ये कितना हो गया 2/5 हो गया तो 2/5 पैसा करो 2/5 का 5 तो एकदम 7/5 तो 5/7 और थीटा भी देर का हां sin θ कितना होता है 30 1/2 हो गया बस, तो ये अपने पास हो जाएगा जी का जी हो गया हाँ? और साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2 आ गया और 1 + k² / r² अपने सॉल्व किया था 7/5 हो गया yes. तो ये अपने पास हो जाएगा 7/5 हो गया तो 5/5g/10 हो गया 5g/10 तो 5 जी को अपन 10 ले लें फिर yes. जी 10 दे रखी है yes. तो अपॉन कितना हो जाएगा 5g/14 आ गया yes. तो काट दे इसको 14 तो इसको अपन बोल सकते हैं 25/7 एक ही बात हो तो क्वेश्चन की आवश्यकता है तो फॉर्मूला क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन पे ए का जो फॉर्मूला आया सॉल्यूशन के बाद वो था A=g sin θ / 1 k² / r² यहां पे तीन ही फॉर्मूले एक तो वी का फॉर्मूला है एक का फॉर्मूला और एक टी का फॉर्मूला है बिल्कुल चार छोड़ेंगे ठोस गोला खोखला गोला रिंग और डिस्प्ले कौन आएगा वो यहीं से आता है ठीक है डियर आगे चले 35 पे आ जाओ एक चींटी घूर्णी चक्ती के किनारे पे बैठी ऐसे देखो ये कोई घूर्णी चक्ती है कहां बैठी है किनारे बैठी है चींटी व्यास के अनुदिश व्यास किसके अनुदिश चलती है
तो दूसरे किनारे तक पहुंचती है तो चक्ती का कोणीय वेग क्या होगा? देखो डियर, जब पहले यहां आएगी तो आर घट रहा है, आर घट रहा है, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, फिर इधर जाएगी तो आर बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, तो पहले ओमेगा घटेगा, कोणीय पहले ओमेगा घटेगा, पहले पहले आर घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही कह रहे हो, पहले आर घटेगा ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। 35 आंसर क्या दे दिया? थर्ड नंबर, बिल्कुल सही, हमारी की भी सही है, तो पेपर की भी चेक कर साथ साथ चेक करते रहे। आगे चलिए भैया, 36 में आ जाए, आगे आ गया, समान त्रिज्या वाले वलय, चक्ती, ठोस गोला, बेलन, नत्तल पिंड रुकते हैं, तो सबसे पहले कौन सा पिंड आएगा भाई? तो सबसे पहले इधर देख, मैं यहां से करता हूं इसको, मैं सही, ए इक्वल टू जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका ए जितना ज्यादा होगा टी उतना ही कम होगा, कम होगा, और जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जितना कम होगा उतना ही ए ज्यादा होगा। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है ठोस गोले का, ठोस को कितना होता है? 2/5 होता है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ठोस गोला आएगा, ठोस गोला आएगा, जान दो a इक्वल टू जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, ये जितना कम ये उतना ज्यादा, और a जितना ज्यादा उतने समय कम, कम जोड़ लो चीजों में आपस में यार, बिल्कुल ठीक है, और रिंग है वो सबसे बाद क्यों उसका एक होता है, वन होता है उसका, के स्क्वायर आर स्क्वायर वन होता है उसका। आगे चले, ओके डियर, तो ये चित्र देखते हमें केप्लर का सेकंड नियम याद आ गया, और इसमें एक बात सुनो, ये तो सूर्य है, ये इसके चारों ओर घूम रहा है, और यहां कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यदि याद हो तो बोर का नियम क्या है कि एक कक्षा में घूमने वाले कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, वही बात आ गई, यानी एम तो वही है, एम वी वन आर वन इक्वल टू एम वी टू आर टू हो गया। अब दोस्त वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक होता है क्षेत्रफल का नियम, डी ए बाई डी टी क्या होता है? सीधी सी बात है, तो ये क्षेत्रफल आपके सामने कम है, ये क्षेत्रफल आपके सामने ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, C से D का समय T1 है और A से B का T2 है, तो T1 आप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा, ये T1 हो गया और ये T2 तो T1 है, इस एरिया को A बोल रहे हैं और इसको 2A बोल रहे हैं, A by T सेम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये अच्छा केप्लर का सेकंड नियम है, और ये अच्छा फॉर्मूला है कि जो नजदीक है उसका वेग ज्यादा होता है और दूर का वेग कम होता है, क्योंकि आर कम वी ज्यादा, आर ज्यादा तो वी कम। यहाँ पे इस पे A की फोर्स लग रहा है, जैसे मतलब ये जो है ना, इस पे केवल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है सन का, सर और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सन के सेंटर से पास, बिल्कुल, और इस कारण से इस ग्रेविटेशन फोर्स का जो टॉर्क है वो जीरो देगा सेंटर के अबाउट, यस यस, और इसी कारण से इसका एंगुलर मोमेंटम कौन सा संरक्षण भाई, सुनो ना भाई, जब भार से बल नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी और टो इक्वल टू डी जे बाई डी टी, एल बोल दो, जे बोल दो, एल बोल दो, एक ही बात है। आगे चले, चलो भाई सुखदेव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काल्पनिक क्वेश्चन है, ऐसा हो गया तो क्या हो जाए, और ये मेडिकल में करीब करीब आया हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन तो क्या है कि गुरुत्वीय बल से एमवी घात के, रियल तो क्या होता है भी कोई भी चीज वर्ताकार घूमती है ना, तो क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल चाहिए, एमवी स्क्वायर बाई आर, वो कहां से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण से, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये कहता नया नियम आ गया, नया नियम आ गया, ये नियम नहीं है। अब आप शुरू करो, देखो यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं fg बोल सकते हैं, yes. तो fg कुछ तो कितना देगा अपने पास है, k अपॉन r की पावर, r की पावर m, m, yes, yes. अपन r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ना ना वो अगला कह रहा, हमारी इच्छा नहीं, वो कल एक नया रूल आ गया आज से, और यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या केंद्रीय बल हो गया, तो ये अभिकेंद्रीय बल m स्क्वायर बराबर कर दो, इसको अपन बोलेंगे mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, यस। अब यहां पे अपने पास में जो m है वो तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, हटा दो यहां पे, सीधा इनको हटा देते हैं, हां, तो यहां से अपने पास अपन यूं कह दूं, इसको मैं यूं कह दूं, मैं आपके सामने इसको ऐसे कह दूं, u स्क्वायर इधर ले लूं मैं, v स्क्वायर और ये r को ऊपर ले लूं, r की पावर m तो नीचे रहेगी, तो थोड़ा सा मटेरियल और सोल्ड कर दूं, तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं r की पावर 1 - m हो गया, ये लो जी, और यहां से v निकाल लेते हैं, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v की r की पावर 1 - m / 2 आ गया, ठीक है, और v अगर फिर अपने को t निकाल आ जा, अब आगे क्या कहता है, t इक्वल टू 2πr/v, फिर शुरू हो जा, 2π फिर कांस्टेंट है, r तो r है, तेरा v क्या है, r की पावर 1 - m/2, ये तेरा वन है, तो वन ऊपर जाए इसको, तो माइनस वन माइनस m/2 में इसे सॉल्व करना एक बार, टू तो 2 - 1 + m, तो तेरा क्या बच गया, 1 + m/2 किसकी पावर, आर की पावर, तो आर की पावर 1 + m/2, आर की पावर 1 + m/2, 38 का दोस्तों आंसर नंबर क्या है, 4। और लेकिन ये अपने आप में कॉन्सेप्ट सुन लो भैया, रुक जाओ एक बार, हम जानते हैं कि कोई चीज सर्कुलर घूमती है, वर्ताकार घूमती है, तो उसे कौन चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, बट वो यहां जी एम एम बाई आर स्क्वायर नहीं है, के अपॉन आर की पावर एम है, यहां से क्या निकाला अपन ने,
वी निकाला फिर किस पे आगे टाइम पीरियड पे आगे उठा के बिल्कुल एक ही तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कोई तरीका ही नहीं है वी निकालो बस और फिर उसके बाद में टी निकालो वी उससे जो अगला कह रहा है आगे चले पुत्र बोर्ड साफ करें 39 में आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि द्रव्यमान वितरण के कारण एक्स दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र अपने को दे रखा है के बाई एक्स क्यूब तो ई बराबर कितना देगा अपने पास है के बाई एक्स क्यूब हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पे विभव की बात कर रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं जैसे अपने कल बात की थी कि एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस का डी यू बाई डी आर होता है या माइनस का डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं बात है तो यहाँ पे ई को अपन लिख सकते हैं माइनस का डी वी बाई डी एक्स लिख दिया तो ई इक्वल टू बन जाएगा अपने पास माइनस का डी वी बाई या अपने पास डी एक्स बन गया एक्स के टर्म्स में दे रखा है बात है तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा डी वी इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस का ई के को ले लेते हैं और फिर उसके बाद में डी एक्स बाई एक्स क्यूब इसको अपने बोलेंगे एक्स की पावर माइनस थ्री इंटू क्या देगा डी एक्स हो गया और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन ये अच्छा क्वेश्चन है भाई ये मेडिकल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा देखा हुआ हो तो बहुत इजी है इसको पूरा करें पुत्रा अनंत पर गुरुत्व विभव को आपको सुनने देना सुनने मान लो तो अनंत ले लिया x और यहां पर विभव जीरो हो गया जीरो हो गया तो अपने को x दूरी पर विभव पूछ रखा है x पर विभव कितना देगा v dv का इंटीग्रेशन v हो गया तो v माइनस जीरो कितना बन जाएगा अपने पास में v आ गया सीधा मैं v लिख देता हूं इसको और फिर उसके बाद माइनस के का क्या देगा माइनस के हो गया और फिर उसके बाद में x की पावर माइनस मैं एक बार थोड़ा रिपीट रिवाइज कर दूं x की पावर n का समाकलन क्या होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो एक जोड़ x के माइनस 2 बच गया माइनस 2 देख तो ये अपने माइनस हो जाएगा x की पावर कितना देगा माइनस 2 माइनस 2 और नीचे माइनस 2 आएगा अपॉन माइनस वो प्लस हो गया माइनस माइनस क्या देगा प्लस हो गया प्लस हो गया तो ये k अपॉन 2x स्क्वायर हो गया तो ये अपने पास हो जाएगा k अपॉन 2x स्क्वायर ये हमारा आंसर नंबर है 39 का 4 नंबर बिल्कुल हमारे की फिर चेक कर ले बिल्कुल सही आंसर आ गया ओके डियर आगे चलते हैं 40 पे आते हैं क्वेश्चन 40 ये तो भाई देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ग्राफ का क्वेश्चन है लोग जे और लोग ई के बीच ग्राफ पूछे एक बार जब प्लीज ई कोण है गतिज ऊर्जा जे कोण है कोणीय संवेग प्लीज बोर्ड खाली करें हम अच्छी तरह जानते हैं भैया ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर एम से ऊपर मल्टीप्लाई करो एम से नीचे मल्टीप्लाई करो अपना पेट फंडा भैया तो ये क्या बना पुत्र m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m p इक्वल टू क्या होता है mv तो हकीकत ये क्या बन गया इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m ओके डियर तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया तेरा 2me एक बार क्वेश्चन में आना साफ कहता है समरूप कोणीय वेग से घूम रही है गुणन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग है वापस जो गुणन में चेंज करो कुछ चेंज नहीं करना इसको j स्क्वायर कह दो और इसको दोस्तों 2m ये तो ई रहेगा एक ही बात फिर ये m नहीं आएगा i आएगा आएगा टू आई ई एक ही बात है भाई रेखीय गति को कोणीय गति में चेंज करना हो तो p की जगह j आ जाएगा m की जगह i आ जाएगा e तो e है बिल्कुल हो गया j स्क्वायर बराबर ठीक है मैं खाली कर लूं इसको तो फॉर्मूला बना पुत्र तेरा j स्क्वायर बराबर टू आई ई अब ग्राफ लोग में है तो लोग लगाएगा तो दो नीचे आएगा ये तरह क्या बनेगा लोग j दो को बाहर दो इसको साथ ले ले तो ये क्या हो गया लोग टू आई प्लस लोग ई हो गया अब ग्राफ देख इस पे है ग्राफ में भाई एक्स एक्स पे कौन है लोग जे वाई पे कौन है लोग ई तो वापस आ वाई पे लोग ई है तो अपन जानते हैं डियर वाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी तो वाई को एक तरफ कर तो लोग ई इधर लेना पड़ेगा वो रास्ता ही नहीं है तो वो तेरे सामने क्या आया लोग जे माइनस लोग टू वाई ये कौन है पुत्र वाई वाई ये तेरा कौन है एम एक्स माइनस सी आ जा तो y बराबर mx माइनस c ये तेरा फॉर्मूला आ गया y बराबर mx माइनस c उसका दोस्तों आंसर कौन सा आ गया चौथा आ गया ये तो ग्राफ का पैट क्वेश्चन है बोर्ड खाली करना एक बार ये आप जानते हो y बराबर m हमारे हाथ में नहीं है लोग लगा दिया लोग लगा ये देखना पड़े y पे कौन है तो y पे उसको बाएं तरफ ले लेंगे बाकी तो एक आंकड़ा x का है एक y का है और एक आंकड़ा कांस्टेंट वो कौन सी होता है आ गया ना अब यदि आपने ग्राफ पढ़े ही नहीं तो इसमें भैया क्या करेगा बिल्कुल इसलिए बच्चों आपकी फिजिक्स कमजोर है तो आप शुरू के दो तीन टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ो या हमारी वीडियो दो बार देख लो आप और यहां पल्ले नहीं पढ़ रहा हो तो गुरुनीति के नाम पे हमारी वीडियो पढ़े पुराने गुरुनीति के नाम पे यूट्यूब पे जाएं वहां 45 वीडियो है जिसमें शायद इनके करीब 3-4 वीडियो डाल रखे हमने गुरुनीति सीएलसी गुरुनीति के नाम पे वीडियो पढ़े वो आप जाके देख सकते हैं ओके थैंक यू आ जाए आओ भाई क्वेश्चन नंबर 41 है yes. देखो यहाँ पे छोटे बेलन के केंद्र का वेग अपने को कितना देर का v यहाँ पे लेवल भी कर रखा है बिल्कुल इसको अपन बना देते हैं v बना देते हैं yes, ठीक है ना और बड़े बेलन के केंद्र का वेग होगा यदि किसी भी सतह में कोई फिसलन नहीं है yes. तो सीधी सी बात है किसी भी सतह में कोई फिसलन नहीं है तो यहाँ का वेग कितना भी v है इसका वेग अपन मानते हैं कि कितना होता है जीरो होता है और यहाँ का वेग कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा फिक्स होता है जानते हैं ठीक है
अब ऑब्वियसली इसका जितना वेग है जीरो है तो पक्की बात है इसका वेग भी कितना जीरो होगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये जीरो हो गया। और इसका वेग अगर कितना भी टू वी है तो इसका वेग भी कितना देगा टू वी होगा, और इसका कितना जीरो और इसका टू वी, तो इसका वेग भी कितना देगा यहाँ पे वी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ज्यादा अपने को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों का वेग कितना देगा वी। सिंपल बात है, क्यों भाई एक बात है, एक ये बताऊं क्या है यार, ये साइकिल का पिछला टायर है, ये साइकिल का अगला टायर है, और एक साइकिल के टायरों की वेग अलग अलग है, नहीं हो सकते, सीधी सी बात, सेम गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे किससे दिमाग मारा है मेरे, सुखदेव आप एक खोलना, पेज खोलना, ये कोई साइकिल का टायर है, ये चल रहा है, चल रहा है तो दोस्त इसकी दोनों गतियां बना, ये बना घूर्णन और ये बना रेखीय, ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है। रेखीय है तो रेखीय तो यहां भी वी होगा, सबका रेखीय यहां भी वी होगा, रेखीय यहां भी, घूर्णन में ये तेरा वी होगा, ये तेरा जीरो होगा, ये इधर वी होगा, तो डियर यहां जो वेग है वो टू वी हो जाता है, यहां वेग वी होता है और यहां वेग जीरो होता है, जीरो वी। और ऐसे कई बार यहां पूछ लेता हूं रूट टू वी हो जाता है, रूट टू वी हो जाता है, यहां पूछता हूं रूट टू वी हो जाता है, क्योंकि यहां वाले पॉइंट के पास में इधर की तरफ वी हो गया, इधर की तरफ नीचे की तरफ वी हो गया, रोटेशन 90 डिग्री पे, जब दो आर वेक्टर 90 पे होते रूट टू आर होते हैं, रूट टू वी। थैंक यू यार, नहीं बात दिमाग में आ गई। आगे चले 42, ये कहता है एम द्रव्यमान का पत्थर एल लंबाई की रस्सी से बंधे हुए नियत, ये कुछ यहाँ कॉन्स्टेंट स्पीड है, ये नियत वेग है वी से एक वर्ताकार पथ के अनुरूप घूर्णन कर रहा है, पत्थर पे बलाघूर्ण क्या होगा, चलो आप बता दो इसको। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि जो दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि वी कॉन्स्टेंट हो गया, और अपन जानते हैं कि v कुछ तो क्या होता है ओमेगा इनटू r हो गया, yes. अपने को क्वेश्चन में v कांस्टेंट दे रखा है, yes. और r तो वैसे भी कांस्टेंट ही होगा, तो v कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, सही है। और ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया तो अभी आपने बताया था वो उसकी जैसे एल फाई कुछ तो डी ओमेगा बाय डीटी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, तो अपने पास एल्फा इक्वल टू क्या देगा जीरो, और एल्फा अगर जीरो होगा तो टो इक्वल टू क्या होता है इनटू एल्फा, ये एनालॉगस होता है एफ इक्वल टू एमए का, यस। तो एल्फा अगर जीरो तो टो कितना देगा अपना जीरो आ जाएगा, इस प्रकार से फिर से देखो, स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मतलब ये उम्र यही है, फिर ये नहीं हो सकता कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कॉमन सेंस की बात है, ये गति नहीं होती, ये ऐसे कि वहां पे ग्रेविटी काम करने लग जाएगी, सही बात, ग्रेविटी काम करेगी, ये कभी कांस्टेंट स्पीड हो नहीं सकती ना, बिल्कुल ये हो सकती है स्पीड कांस्टेंट बस। और एक सिंपल सी इसमें ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये घूम रहा है इस प्रकार से, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, इस पे केवल और केवल सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, और टेंशन उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास कर रही है, यस। तो ए की तो फोर्स है सर, और इसका टॉर्क का वो कितना देगा जीरो देगा, सर सिंपल सी बात है, ये होगी बातचीत। चले ये कौन सा हो गया तेरा 41 हो गया, अब आप 42 में आ जाए, आगे चले देखें क्या, अभी देखें इसको 42 में आ जाओ, आगे 42 ले, 42 ले, ये कह रहा है 42 पे ले, 42 पे ये करेगा, हाँ ये हो गया जी, 42 था क्या, 42 ओके सॉरी सॉरी, 43 पे आओ, चलो ठीक है आ जाओ 43 पे आ जाओ। ये कह रहा है कि यदि किसी यदि पिंड नत्तल पर फिसलते हुए नीचे आता है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है फिसलते हुए, यहाँ लीनियर मोशन है, बिल्कुल लीनियर मोशन है, बिल्कुल तब पिंड एक साथ पेंदे पर पहुंचते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तब वो केस का है ही नहीं कुछ, बिल्कुल एक साथ पहुंचते हैं, तो टी कुछ टू कितना देगा सबके लिए रूट ऑफ 2h/g आ जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है सबका, यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का कोई रोल नहीं रहेगा, सभी पिंडों का त्वरण समान है तथा ये आकार पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल ए कुछ तो कितना देगा, ये तो एक प्रकार की प्योर स्लिपिंग होगी, सही है, तो सबके लिए ए कुछ तो कितना देगा जी, सही बात है। अब यहाँ पे एक चीज है बॉस, हाँ। कि जैसे अगर ये रोलिंग होती ना तो इसको प्लस वन प्लस कर देते, और यहाँ पे ना इन टू में वन प्लस होता है, तो ये वाली चीज तो हटी जाएगी, देखो यहाँ पे अपने को ये बोल रहे कि चित्र में सभी सतह चिकनी है और निकाय को विराम से मुक्त किया जाता है, अपना फ्रिक्शन नहीं है, कल से बात चल रही है, अपना फ्रिक्शन नहीं आता है, विराम से अपन इसको रिलीज कर दिया तो निकाय का क्षैतिज दिशा में संवेग नियत है, लेकिन कुल संवेग नियत नहीं है। देखो बात यह है कि कुल संवेग तो नियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा एम जी लग जाएगा, क्या लग जाएगा एम जी, तो इस एम जी की वजह से ये तो डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो टोटल मोमेंटम अपन कंजर्व नहीं ले सकते, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल फ्रिक्शन लग सकता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे अब्सेंट है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, yes. ठीक है।
बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस कारण से कुल संवेग नियत नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। तो निकाय को विराम से मुक्त किया जाता है, निकाय का क्षेत्रीय दिशा में संवेग नियत है, सही है बात, लेकिन कुल संवेग नियत तो ए सही है, बिल्कुल ए सही है। ओके, आर पे आओ। अब ये कह रहा है कि निकाय पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल बल आरोपित है, इंग्लिश में लेकर के ए नेट वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अपवर्ड नहीं है तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, तो थर्ड हो गया इसका। तो ये ए सत्य है, आर असत्य है, थर्ड आंसर की चेक कर ले, ये हमारी की भरी हुई है। ओके डियर, अब 45 में आ जाओ। चलो यहां पे वही बात हो गई, वो तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, वही बड़ा कोई क्वेश्चन आ गया। द्रव्यमान एयर वेग बी की गोली द्रव्यमान सी के लकड़ी के एक ब्लॉक से दागी जाती है, तो निकाय का अंतिम वेग क्या है? अभिग्रह वही है, स्मॉल m / कैपिटल m + m। इसका आंसर ठीक मार दे, थर्ड आंसर है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। इस पेपर में दोनों क्वेश्चन एक लॉजिक के आगे आगे चलो 46 फिर आ जा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, ये कह रहा है कि वर्ती गति में अभिकेंद्रीय बल वह विपरीत दिशा में आरोपित अपकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। क्या कह रहा है? इन सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बैलेंस ईच अदर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो अपने पास में क्या है, अभिकेंद्रीय बल है, और एक होता है अपने पास में यहाँ पे अपकेंद्रीय बल, दोनों अलग अलग बल है। ये तो बल ही नहीं, झूठ है, ये तो झूठ है, दोनों कभी एक साथ लगते नहीं है, क्योंकि अगर अपन जैसे ग्राउंड की फ्रेम से बात करते हैं तो तब तो लगता है कौन सा, अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अगर अपन जैसे पार्टिकल की फ्रेम से बात करेंगे तब लगेगा अपकेंद्रीय बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पार्टिकल की फ्रेम से हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अब एक टाइम पे कोई ऑब्जर्वर है, या तो ग्राउंड पे हो सकता है और या पार्टिकल पे हो सकता है। इसका मैं एक तेरी बात के बीच में, आप एक झूले में झूल रहे हैं, ठीक है ना, और झूला टूटता है तो आपको लगता है झूले ने फेंका है, जबकि यहां लगता है आदमी गिरा है, क्योंकि उसको वो जो बंधा हुआ तो बंद टूट गया तो वो झूठ है, ऐसा झूला डालता नहीं किसी को। जैसे एक रस्सी है, अपन दोनों खींच रहे हैं, ठीक है ना, मैं छोड़ दूं आप गिर जाओगे, तो मैंने थोड़ा गिराया आपको, उस फोर्स ने गिराया, जबकि मैंने फोर्स नहीं लगाया फिर भी आप गिर गए, क्योंकि पहले आपके फोर्स को मैंने बैलेंस कर रखा था, इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। वही बात आप कह रहे हो कि एक आदमी एक साथ झूले पे नीचे नहीं हो सकता, आगे बात बढ़ाएंगे पड़े। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। यहाँ जाओ अपना सीधा, अब एक एक सत्य का ऑब्जेक्ट एक ही है, देखा जाए तो क्वेश्चन में कौन सा है, 46 आंसर अपना भी सही होगा, सीधा फोर्थ होगा। अगला पढ़ तो लो अपने कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल समान समय में कार्य करते हैं। आप वाली बात कि एक आदमी झूले या नीचे दोनों भूत तो है नहीं, प्रेत आत्मा तो धनी के नीचे भी ऊपरी भी हो, सही बात। आगे चलो 47 में आ जाओ डियर, फिर आ जाओ। क्या बात है, दो पिंडों की प्रत्यक्ष टक्कर में संवेग तथा ऊर्जा प्रत्येक पिंड के लिए संरक्षित रहती है। यहाँ पे ये बात गड़बड़ हो गई, प्रत्येक पिंड के लिए निकाय सिस्टम की होती है, सिस्टम की कंजर्व रहती है, बिल्कुल प्रत्येक पिंड के लिए। फिर वही बात आ गई भैया, ए असत्य हो गया। एक बात सुनना, ए आर में ए असत्य होते ऑब्जेक्ट एक ही होता है, चार टिकाओ वो बहुत पढ़ना, ये एग्जाम की ट्रिक है, बिल्कुल। आगे चलो 48 फिर आ जा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है भाई। सुनो हाँ। ये फोर्स है कंजर्वेटिव, पथ पर निर्भर नहीं करता, ये सत्य है, और ये सत्य है, और गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी है, तो व्याख्या भी सही कर रहा है। तो 48 का आंसर के भाई टिक मारा हमारी की में, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही हो गया। आगे चलो 49 में आ जाओ डियर, क्या कह रहा 49, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ओ भाई सुन ले, ये लाइन नीचे आएगा लिखा सा बात है, इसमें सुंदरता है, एक ग्राफ लाइन के ऊपर भी नीचे भी है, जी हमेशा माइनस में लाइन के नीचे आएगा, पर तीव्रता है ना, तो तू जानता अंदर तीव्रता होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर होती है ए ए, याद है जी एम एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब है, और वो दोस्तों होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन लाइन के नीचे। तो भैया कौन सा करोगे, फर्स्ट करोगे, तो फोर्थ नाम क्या हो गया भैया, फोर्थ फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। मुद्दे की बात कौन सी है, लाइन के नीचे। आगे चलो 50 में आ जाओ, 50वां क्वेश्चन निकालो भैया। यह हम बता दें कि पृथ्वी की घूर्णन चाल को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा की वस्तु का भार है क्या हो जाएगा, बताओ। अपन तो जानते हैं कि जैसे इक्वेटर पे क्या होता है, जी इक्वल टू, सीधा बच्चों को याद होता है कि जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू आर हो गया, बिल्कुल सही है। ओमेगा को अगर अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो गया, तो अपने पास में जो जी ई है ना घट गया, डिक्रीज हो गया, भार घट गया, घट गया। तो 50 का आंसर दे दिया भैया हमने, दो भार घट गया इसी के साथ। एक बात अपन ये भी बोलते हैं कि भार जीरो कब हो जाएगा, जब इसका वेग 17 गुना हो जाएगा, 17 गुना हो, तीन क्वेश्चन है, 17 गुना हो जाए या आवर्तकाल जो है 84.6 हो जाए, वो यहीं से आ जाता है, यहीं से आ जाता है, इसको जीरो करते ओमेगा इक्वल्स टू जी बाय आर। थैंक यू सर। तो ये दोस्तों फिजिक्स इको का सेकंड पेपर सॉल्यूशन था, ये बस शेड्यूल निकालना, थर्ड का कौन सा है शेड्यूल निकालना, थर्ड दोस्तों टेस्ट हीट का, जो वैसे मेरा प्रिय टॉपिक है, तो 20 मार्च को रात को 8:30 बजे आपसे
फिर मिलते हैं। तो प्लीज सेल्स सीकर के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इनको देखें। इसके अलावा गुरुनीति के वीडियो पड़े 180। आप बायोकेमिस्ट्री के नए भी देखें तो फिजिक्स यदि आपकी वीक है तो आप जरूर देखें। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर उसकी आप देखें गुरुनीति, और फिजिक्स के शुरू के 5-7 वीडियो तो आप जरूर देखें ताकि आपको ये बेसिक जो पिछले पढ़ाई हमने वो ठीक हो जाएंगी। और 22 मार्च 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक 16 वीडियो हम PYQ के कंप्लीट सोल्यूशन डाल रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, कल फिर मिलते हैं।